हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको बचे हुए वेज पुलाव के कटलेट्स बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बचे हुए वेज पुलाव से कटलेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पुलाव, 1 बड़ा आलू जिसे बॉईल करके मैश कर लिया है, ब्राउन ब्रेड के ब्रेड क्रम्स जिसे मैंने घर में ही बनाया है, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये पुलाव डालकर इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, पुलाव को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम एक बॉल में निकालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू, नमक। नमक इसमें थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि पुलाव में भी नमक है। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से ब्रेड क्रम्स और चावल का आटा मिलाएंगे और फिर हम इसके कटलेट्स तैयार करेंगे। ये देखिए, डो तैयार हो गया है। इसमें मैंने लगभग 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स डाले हैं और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। ये देखिए, अब मैं हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके कटलेट्स तैयार करूंगी। इस तरह से मैं इसकी राउंड टिक्कियां बनाऊंगी। आप चाहें तो कटलेट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं। इस डो में मैंने और कोई सब्जियां नहीं डाली हैं क्योंकि पुलाव में ऑलरेडी सब्जियां डली हुई हैं। ये देखिए, हम इस तरह से सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। कटलेट्स तैयार हैं, अब इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। कटलेट्स को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने पैन गरम किया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम रख देंगे कटलेट्स और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लेंगे। मैंने इन कटलेट्स को शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, कटलेट्स बनकर तैयार हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, बचे हुए वेज पुलाव के कटलेट्स बनकर तैयार हैं। इन्हें मैंने सर्व किया है हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ। आप चाहें तो इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। Thank you for watching.